एक शिष्ट मंडल ने ज्ञापन दिया श्री राजन चौधरी साहब आपके सामने सब मौजूद है। यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर दमन उत्पीड़न और डिक्टेटरशिप जो प्रशासन की है उसके खिलाफ हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल से कहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, एडमिशन में काले झंडे दिखाने पर नहीं किए गए, अभी यूनिवर्सिटी में गलत एडमिशन हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी की हालत बहुत चिंताजनक और ख़राब है, उस तरफ हम लोगों ने इंगित किया है और ये कहा है महामहिम राज्यपाल से कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन लड़कों के साथ जाति कर रहा है। ऐसे लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई है कि जिसमें बहुत से लड़के उस केस में नहीं है, शांत प्रिय लड़कों को और यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस के जरिए अब तो सुना डायल 100 को भी बुलाया जा रहा है भयभीत करने के लिए। यूनिवर्सिटी के जो तरीके हैं इसके हम लोगों ने कहा कि हम लोग कंडम भी करते हैं। समाजवादी पार्टी चाहती है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे पूरे यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हुआ, काशी विश्वनाथ यूनिवर्सिटी काशी में जो है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हुआ, संस्कृत यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हुआ, 44 कॉलेजों में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी समेत इलेक्शन हुए जिसमें 37 कॉलेजों में समाजवादी पार्टी जीती है। इसलिए यह है कि यह भयभीत है, यूपी यह है वाइस चांसलर को अपना जो है उनका बहुत संकुचित और उनका जो एजेंडा है वो पॉलिटिकल तरीके से मुखालिफ पार्टियों के दमन का है, ये नहीं चलेगा। यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर दूसरी तरह का होता है, लड़कों यही लड़के जो हैं जैसे यूनिवर्सिटी के क्लास यूनिवर्सिटी बनेगी वही हिंदुस्तान बनेगा। इसलिए ऐसा माहौल हम लोगों ने कहा है कि जहां लड़कों के बौद्धिक विकास के लिए पूरी आज़ादी हो, छात्र संघ की आज़ादी हो, तमाम सेमिनार की आज़ादी हो, बच्चों को अपनी समस्याएं कहने की आज़ादी हो और प्रशासन को सुनने की क्षमता रहना चाहिए जो यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बेइंतहा विस्फोटक स्थिति है और वो सिर्फ यूनिवर्सिटी प्रशासन की वजह से, दमन की वजह से, नाइंसाफी की वजह से। अभी आपने सुना है कि एडमिशन में यूनिवर्सिटी के अंदर वह लड़के जिनका एडमिशन नहीं होना चाहिए था बगैर मार्कशीट के एडमिशन लिया गया है, आज पेपर में आप देखिए। इन सब के खिलाफ हम लोगों ने सारी चीज़ें महामहिम से कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि पहली हम लोगों की मांग थी कि छात्र संघ बहाल किया जाए ताकि लड़कों के समस्याएँ जो हो जाए, जो मुकदमे गलत लिखे गए हैं वह सारे के सारे लड़कों के खिलाफ वापस किए जाएँ और ऐसे लड़कों के एडमिशन